नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राजस्थान के जैसलमेर से कथित पाकिस्तानी हिंदू जासूस गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खिपरो का रहने वाला है आरोपी नंदलाल। आरोपी के पास से सैटेलाइट फोन और डायरी बरामद। भारत में 35 किलो RDX लाने का है आरोप। रियो में भारत को बड़ा झटका। डोपिंग मामले में पहलवान नरसिंह यादव ओलंपिक से बाहर। 4 साल का लगा बैन। नाडा की अपील पर कोर्ट ने लगाया प्रतिबंध। रियो ओलंपिक मैच में पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। बैडमिंटन के सिंगल मुकाबले में पहुंची। आज सिंधु और कैरोलिना मारिन के बीच होगा फाइनल मुकाबला। नवजोत सिंह सिद्धू पर सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। सिद्धू को बताया अच्छा इंसान। लिखा, आप में शामिल होने या नहीं होने से कम नहीं होगा सिद्धू का सम्मान। बिहार में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद खुली नीतीश सरकार की नींद। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में गोपालगंज के SHO सहित 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर आज चुनाव आयोग में सुनवाई। संसदीय सचिव बनने पर लाभ के पद का है आरोप। 3 सीरियल बम ब्लास्ट से दहला तुर्की। धमाकों में 14 लोगों की मौत, 225 से ज्यादा लोग जख्मी। पुलिस स्टेशन और सेना को बनाया गया निशाना। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।